हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम बिग विद एसएस। आज के वीडियो में हम न्यू मॉम्स के मेटर्निटी पैड्स एंड न्यू मॉम्स के डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर का रिव्यू करेंगे इन सब चीज़ों को पर्सनली मैंने अपने डिलीवरी के टाइम पे यूज़ किया है सो so, एक ट्राइड एंड टेस्टेड रिव्यू होगा सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट जम्प इन द वीडियो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है ईच पैक में आपको फाइव पैड्स अवेलेबल होते हैं एंड इसमें टू साइज ऑप्शन है वन इज़ मिडी पैड एंड अदर वन इज़ मैक्सी पैड जो मिडी पैड है उसका सोकेज कैपेसिटी है फोर फिफ्टी एम एल का एंड मैक्सी पैड का एट फिफ्टी एम एल होता है एंड जो ऑर्डिनरी पैड्स हम यूज़ करते हैं उसका एटी एम एल कैपेसिटी होता है एंड जो डिलीवरी के टाइम पे हमें ब्लीडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारा रेगुलर पीरियड्स तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी सोकेज कैपेसिटी के पैड्स वो टाइम पे पहनना पड़ता है ताकि हमें रेगुलर वॉशरूम विजिट्स ना करना पड़े एंड अगर आप रेगुलर पैड्स पहनेंगे तो आपको मिनिमम दिन में पाँच से छः पैड्स तो आपको चेंज करना पड़ेगा एंड वो टाइम पे हम ऐसे सिचुएशन में नहीं रहते कि हम रेगुलरली पैड्स चेंज कर पाए सो so, अगर आप ये यूज़ करेंगे आपको थ्रू आउट द डे एक पैड काफ़ी होता है एक्चुअली मैं तो एडल्ट डाइपर्स लेके गई थी पहनने के लिए लेकिन हॉस्पिटल वालों ने मुझे ये प्रोवाइड किया था एंड स्टार्टिंग के थ्री डेज मुझे बहुत पसंद आया और बहुत कंफर्टेबली मैं इसे यूज़ कर पाई सो so, इसके वजह से मैं आज ये रिव्यू कर रही हूँ एंड इसका प्राइस है वन सेवेंटी टू रूपीज़ पर वन पैक एंड स्टार्टिंग के फाइव डेज ही आपको हैवी ब्लीडिंग होता है तो so, वही टाइम के लिए आपको एक पैक काफ़ी होता है लेकिन आप चाहें तो एक्स्ट्रा परचेज करके रख सकते हो ताकि ड्यूरिंग द डे आप एक पहन सकें एंड नाइट एक पहन सकें लेकिन फॉर फो ट्वेंटी फोर आवर्स वन इज इनफ एंड ये अवेलेबिलिटी की ये आप अमेजोन परचेज कर सकते हो एंड किसी भी आपको जो फार्मेसी होता है ना वहाँ इजीली भी अवेलेबल होते हैं अब देख लेते कि पैड कैसा दिखता है पैड कुछ इस तरीके से नज़र आता है ये मेरे पास अभी मैक्सी पैड है सो so, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्सी पैड ही परचेज़ करें ताकि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हुआ तो ये आराम से ऑब्जर्व कर लेगा एंड कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इसका लेंथ भी बहुत ज़्यादा है ताकि मैक्सिमम एरिया जो आपका बम्प एरिया है वहाँ तक ये कवर कर लेगा एंड इसका व्रर्थ भी बहुत ज़्यादा है यूजली पैड जो होते हैं वो इतना ही वृद्ध होता है लेकिन इसका और भी ज़्यादा है ताकि मैक्सिमम एरिया ये कवर कर सके एंड लीकेज से बचाए ये अच्छा मोटा है तो अच्छा ब्लड सोकेज कर लेगा लेकिन आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं रहेगा क्योंकि ये कॉटन से बना है बहुत सॉफ्ट है आप देख सकते हो इसका मैं क्लोजअप लुक भी आपको शेयर कर दूंगी आप देख लीजिएगा इसका फ्रंट पोर्शन है एंड ये इसका बैक पोर्शन है इसमें कोई भी विंग्स नहीं है लेकिन ये अच्छे से सेट हो जाएगा जब आप पहनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड ये नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा मोटा बना हुआ है तो ताकि अगर आपको नीचे स्टीचेस भी लगे हुए हो इसको आपको थोड़ा सा कुशनिंग वाला इफ़ेक्ट देगा एंड जिसका सी सेक्शन हुआ है उसके लिए भी बहुत अच्छा है एंड ये जो पीछे है ये इसका स्टिकर है जो आपको निकाल देना पड़ेगा एंड आपको स्टिक करना पड़ेगा एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ये पैड्स आप रेगुलर पैर के साथ नहीं पहन सकते क्योंकि इसका जो एडिसिव है ये बहुत वीक नहीं कहूँगी बहुत कम है कंपेयर टू जो हम रेगुलर पैड्स यूज़ करते हैं तो ये स्पेशली आपको पैड फिक्सेटर के साथ ही पहनना पड़ेगा तभी आप इसे प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे एंड अब मैं एक चीज़ बता दूँ बहुत लोगों को पैड फिक्सेटस क्या है इसका नॉलेज नहीं है मैं आपको वो भी आप दिखा दूँगी वो कैसे होते हैं ताकि आपको इसके बारे में अवेयरनेस भी हो एंड आप इसका प्रॉपर यूसेज कर सो so, ये है पैड फिक्सेटर, ये कुछ ऐसे नज़र आता है आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है इसे कैसे पहने कैसे फिट होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है सो so, जब आप इसे पहनेंगे आप चाहे पतले हो मोटे हो कैसे भी हो ये आपका बॉडी का शेप ले लेता है इतना ज़्यादा स्ट्रेच होता है इसमें भी आपको मल्टीपल साइज ऑप्शन है स्मॉल से लेके आई थिंक डबल एक्सल तक है जो मेरे पास है अभी ये लार्ज साइज है लेकिन अगर आप एक साइज़ नीचे ऊपर भी ले लेंगे तो आप इसे आराम से पहन सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है इसका भी मैं आपको क्लोजअप लुक शेयर कर दूँगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेची एंड ब्रीथेबल मटेरियल के साथ बना हुआ है ताकि आपका एयर सर्कुलेशन भी अच्छा हो एंड ऑर्डर से भी ये बचाता है एंड पैड फिक्सेटर का काम होता है कि पैड को फिक्स करना ना कि चिपकाना क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे हैं पे एंड कुछ वीडियोस में भी मैंने देखा था कि लोग कह रहे थे कि ये प्रॉपरली फिक्स नहीं होता है ये चिपकता नहीं है क्योंकि इसका काम नहीं है चिपकना इसका काम है बस इसे फ़िक्स करना अपने पोजिशन पर क्योंकि स्टार्टिंग के थ्री डेज़ तो आप बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करती आप बस रेस्ट में रो होते हो वो टाइम पर तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि आप कैसा भी तो मूव नहीं कर रहे हो एंड ये प्रॉपरली उसे फ़िक्स कर देता है उसके पोजिशन पर ही तो इसका यूसेज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो एंड ये जब हिलता है जब आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो मूवमेंट कर रहे हो तभी ये प्रॉब्लम होती है सो फोर्थ डे के बाद वैसे भी हम थोड़ा सा मोमेंट करने लगते हैं एंड हमारा ब्लीडिंग भी कम हो जाता है वो टाइम पे आप रेगुलर पैड्स में स्विच कर सकते हो ये स्पेशली स्टार्टिंग के थ्री डेज के लिए मैं कहूँगी कि बना है जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा हो एंड इसका प्राइस है वन टू वन रुपीज़ के बीच में है तो आप एक वो पैक और ये पैक परचेस कर सकते हो एंड इसके पैक में भी बॉक्स में आपको टोटल फाइव पैंटीज मिलते हैं सो uh, so, uh, मुझे तो ये बहुत पसंद आया पर्सनली जब मैंने यूज़ किया था एक्चुअली मैं तो डाइपर्स लेके गई थी एडल्ट डाइपर्स यूज़ करने के लिए लेकिन uh, मैं उसे यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि हॉस्पिटल ने मुझे प्रोवाइड कर दिया एंड थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया क्योंकि मैं स्टार्टिंग के थ्री डेज बहुत कम्फर्टेबली थी फोर्थ डे के दिन जब मैं डिस्चार्ज हुई थी मैंने डायपर्स पहने थे एंड इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मुझे फ़ील हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे थे एंड बहुत बल्कि थे सो so, उतना ब्लीडिंग भी नहीं होता था एंड उतना ज़्यादा मोटा आई थिंक शायद ज़रूरत भी नहीं थी इवन अगर आप स्टार्टिंग के दिन में भी पहन रहे हो तो भी उसका ज़रूरत नहीं है एंड वो टेप स्टाइल डाइपर्स मैंने परचेस किया था क्योंकि जब वॉशरूम जा रही थी तो उसको निकालना लगाना बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था एंड बहुत हैवी फील हो रहा था तो आई थिंक ये आपको कंफर्टेबल फ़ील करवाएगा एंड वैसे भी आप फिफ्थ डे के बाद रेगुलर पैड्स में चेंज कर सकते हो एंड अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको दूसरे ऑप्शंस भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगी आप चेकआउट कर लीजिएगा लिंक्स जैसे कि दूसरे मेटर्निटी पैड्स अगर कुछ रहेंगे या फिर जो पैड्स है उसमें अगर मोटे वेरिएंट्स कुछ है तो मैं देख के बताऊंगी एंड कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि ये चिपक नहीं रहा तो शायद मैंने आपको आंसर दे दिया अपने वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे से अपना काम कर लेता है फिक्स कर लेता है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है एंड कुछ वीडियोस में मैंने यूट्यूब में देखा है एक रिव्यू किसी ने किया था वो लेडी डबल टेप यूज कर रही थी इसे स्टिक करने के लिए रियली really गई क्या आप डबल टेप फोर टाइम के लिए लगा सकते हो क्या आपके पास उतना टाइम एंड उतना आप कंफर्टेबल रहते हो कि आप ये सब चीज़ें करके लेके जाए या फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें कर पाए नहीं एंड आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहन के देखिए आपको समझ आ जाएगा लेकिन आप फिर भी इन चीज़ से कम्फर्टेबल नहीं हो तो आप कोई और ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जैसे कि अडल्टाइपस हो गए या पैट्स में कोई मोटे वेरियंस अगर आ रहे हैं तो आप देख लीजिएगा लेकिन डबल टेप वाला तो मत कीजिए क्योंकि बिल्कुल बकवास आइडिया है मैं कहूंगी तो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें बाय गैस एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो